हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीम बॉयलर जो वाटर ट्यूब बॉयलर में यूज होती है, स्टीम ड्रम होती क्या है, उसकी फंक्शंस क्या है, स्टीम ड्रम में कैसे वाटर और स्टीम सेपरेट्स होती है, कॉमन मेथड्स क्या है, साइक्लोन सेपरेटर मेथड्स क्या है, ये मैं इस इन वीडियो में मैं ये सब सारे डिस्कस करूंगा। और ऑपरेटिंग प्रेशर और क्रिटिकल प्रेशर डिस्कस करूंगा क्या होती है बॉयलर में। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सो स्टीम ड्रम, तो स्टीम ड्रम होती क्या है? जनरली स्टीम ड्रम इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर इन विच सेपरेशन ऑफ वाटर एंड स्टीम अकर्स। सो स्टीम ड्रम में वाटर स्टीम सेपरेशन की होकर होती है, सेपरेशन होती है। तो स्टीम ड्रम जो होती है वो डिपेंड करती है बॉयलर की प्रेशर पे, कौन सी बॉयलर में स्टीम ड्रम होनी चाहिए, कौन सी बॉयलर में स्टीम ड्रम नहीं होनी चाहिए, वो डिपेंडिंग ऑन ऑपरेटिंग प्रेशर और क्रिटिकल प्रेशर पे डिपेंड करती है। अगर ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ बॉयलर अगर लेस देन है क्रिटिकल प्रेशर ऑफ बॉयलर से, तो यहां हमारा ड्रम टाइप बॉयलर होगी और इसे हम सब क्रिटिकल टाइप ऑफ बॉयलर कहते हैं। अगर ऑपरेटिंग प्रेशर ग्रेटर देन क्रिटिकल प्रेशर होती है, तो इसे हम सुपर क्रिटिकल टाइप ऑफ बॉयलर कहते हैं, सुपर क्रिटिकल बॉयलर जिसकी प्रेशर अप टू और जिसकी प्रेशर 221 बार होती है, और इसे हम ये होती है हमारी ड्रमलेस बॉयलर। सो बॉयलर ड्रम जो है और स्टीम ड्रम जो है वो डिपेंड करती है ऑपरेटिंग प्रेशर और क्रिटिकल प्रेशर की रिलेशन में। अगर ऑपरेटिंग प्रेशर लेस देन क्रिटिकल प्रेशर है तो ड्रम टाइप बॉयलर होगी, अगर ऑपरेटिंग प्रेशर ग्रेटर देन क्रिटिकल प्रेशर है तो हमारी सुपर क्रिटिकल बॉयलर होती है और वो ड्रमलेस टाइप ऑफ बॉयलर होती है। तो ऐसा क्यों है? अगर ऑपरेटिंग प्रेशर लेस देन अगर क्रिटिकल प्रेशर है तो इस केस में जो भी सैचुरेटेड वाटर जो होती है वो कन्वर्ट होती है वाटर प्लस वेपर मिक्सचर्स में, अगर उसे कन्वर्ट करें तो। अगर हमारी जो इस केस में ऑपरेटिंग प्रेशर ग्रेटर देन क्रिटिकल प्रेशर है और सुपर क्रिटिकल टाइप ऑफ बॉयलर में जो वाटर जो होती है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होती है वेपर और स्टीम में, तो यहाँ पर हमारे स्टीम ड्रम की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टीम ड्रम हम लोग इसलिए यूज करते हैं, एक फंक्शन यही है और जो मेन फंक्शन है क्योंकि वो सेपरेट होती है वाटर और स्टीम के मिक्सचर्स को। बट ड्यू टू हाई प्रेशर दैट इज ऑपरेटिंग प्रेशर ग्रेटर देन क्रिटिकल प्रेशर इन सुपर क्रिटिकल टाइप ऑफ बॉयलर ड्रम इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ 221 बार और हाई प्रेशर। तो अब हम देखेंगे कि इसकी मटेरियल क्या होती है, स्टीम ड्रम की मटेरियल क्या होती है। तो जनरली स्टीम ड्रम की मटेरियल जो होती है वो मैंगनीज होती है, फेराइट होती है, कुछ परसेंटेज मैंगनीज होती है, कुछ परसेंटेज फेराइट होती है, कुछ परसेंटेज सिलिकॉन होती है। जनरली मैंगनीज की परसेंट 0.5% होती है, सिलिकॉन 0.4% होती है, कुछ फेराइट होती है। और उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, अगर मीडियम प्रेशर टाइप का बॉयलर है तो उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 450 to 490 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है विथ 20% इलोंगेशन। तो ये हमारे स्टीम ड्रम की मैंने जो अभी बोला वो मटेरियल्स थी। अब हम बात करेंगे स्टीम ड्रम की जो मेन फंक्शन है, हाउ स्टीम इज सेपरेटेड फ्रॉम वाटर इन स्टीम ड्रम, अब हम इसकी बात करेंगे। तो अगर हम कॉमन मेथड्स की बात करें जो लो प्रेशर टाइप ऑफ बॉयलर में होती है और जिन बॉयलर्स की जो इवापोरेटिंग रेट होती है वो बहुत कम होती है, वेरी वेरी लो प्रेशर टाइप ऑफ बॉयलर की अगर बात करें जिसे हम कॉमन मेथड कहते हैं, दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन, जिसमें क्या होता है, अगर ये बात करें, अगर ये हम स्टीम ड्रम लेते हैं और यहां पर वाटर है तो यहां पर ड्यू टू ग्रेविटी सेपरेशन डेंसिटी डिफरेंस आती है, जो स्टीम की डेंसिटी कम होती है वाटर की डेंसिटी हाई होती है, तो स्टीम जो है वो अपनी बबल्स फॉर्म में राइज होती है और वाटर ड्रम के नीचे एक्युमुलेट होती है। तो ये हमारा ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है जो कि वेरी लो प्रेशर टाइप ऑफ बॉयलर में जिसकी यूज होती है, जहां इवापोरेशन रेट बहुत ही लो होती है, बॉइलिंग रेट बहुत ही लो होती है, उस टाइप ऑफ बॉयलर, और ये कॉमन मेथड है। अगर हम बात करें फॉर मीडियम प्रेशर टाइप ऑफ बॉयलर और फॉर हाई प्रेशर टाइप ऑफ बॉयलर, अगर उसकी बात करें जो स्टीम सेपरेशन होती है तो उसकी मेथड्स क्या है वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा
स्टीम ड्रम की कंस्ट्रक्शन है जो इंटरनल कंस्ट्रक्शंस है ओके, ताकि स्टीम जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वालिटी मेंटेन कर सके और इजीली हम स्टीम सेपरेट कर सके विद इफिशिएंट मैनर। तो हमारा ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये मेरा सेक्शनल व्यू है स्टीम ड्रम की। तो यहाँ पर ये जो हमारा है ये राइजर ट्यूब है, ये डाउन कमर है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, स्टीम ड्रम में जो वाटर फीड होती है सबसे पहले ये थ्रू डाउन कमर के थ्रू वो नीचे जाती है वाटर ट्यूब वाटर ड्रम में, और वाटर ड्रम में जाती है और वहां पर नेचुरल सर्कुलेशन टाइप ऑफ प्रोसेस होती है जिससे वो राइजर ट्यूब में फिर से हमारे स्टीम ड्रम में आती है। और जो राइजर ट्यूब से जो स्टीम ड्रम में आती है वो हमारा एस प्लस डब्ल्यू होती है, दैट इज स्टीम प्लस वाटर मिक्सर होती है, दैट इज वेपर प्लस वाटर मिक्सर्स होती है। मैं बस 2 मिनट आपको 1 मिनट आपको यहाँ ब्रीफ करता हूँ। लाइक अगर हम इसे ये अगर हम स्टीम ड्रम की अगर बात करें, ये हमारा स्टीम ड्रम है और ये हमारा डाउन कमर है, ये हमारा डाउन कमर है, ये हमारा वाटर ड्रम है। तो जो स्टीम जो वाटर है ये 2/3 लेवल पे मेंटेन किया हुआ है। स्टीम ड्रम से जो वाटर है ये हमारे डाउन कमर के थ्रू यहाँ आती है और यहाँ पर क्या होती है, ये राइजर ट्यूब ट्यूब्स होती है, राइजर ट्यूब्स होती है, या बोल सकते हैं अनहीटेड एक्सटर्नल डाउन कमर्स भी होती है, दैट इज अनहीटेड एक्सटर्नल डाउन कमर्स होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा फर्नेस होता है, बर्नर होता है। तो यहाँ पर स्टैक ऑफ ट्यूब्स होते हैं जहाँ उसे हम लोग डाउन कवर करते हैं। तो यहाँ पर बर्नर होता है, फायर फायर हो रही है। तो जो ट्यूब सबसे क्लोजेस्ट है, जो ट्यूब जो डाउन कवर ट्यूब्स और जनरेटिंग ट्यूब सबसे क्लोजेस्ट है, वहां जो होता है हाई और बोल सकते हैं हाई वाटर प्लस वेपर मिक्सर्स बनती है, और जो फार है वहां मॉडरेट और फार है तो वहां स्लाइट वाटर प्लस वेपर मिक्सर्स बनती है। तो ये जब वाटर प्लस वेपर मिक्सर बनती है तो जो स्टीम जो होती है, स्टीम जो होती है वो लो डेंसिटी होती है। तो बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी स्टीम्स टेंड्स टू राइज अप थ्रू राइजर ट्यूब इनटू द स्टीम ड्रम, और जो वाटर होती है वो टार ड्रम में एक्युमुलेट होती है। तो ये मेरा नेचुरल सर्कुलेशन प्रोसेस होती है। तो हमारा जो स्टीम प्लस वाटर वेपर जो है, स्टीम प्लस वाटर वेपर जो है राइजर ट्यूब के थ्रू अगेन स्टीम ड्रम में जाती है। मैंने आपको वही शो किया स्टीम प्लस वाटर मिक्सचर्स। अब हमारे स्टीम प्लस वाटर मिक्सचर्स राइजर ट्यूब में आती है। अब यहाँ पर हमारा वेपर प्लेट और एप्रोन प्लेट्स लगा रहता है। अब वेपर प्लेट या एप्रोन प्लेट क्या होता है, ये स्टीम प्लस वाटर वेपर को डायरेक्ट करता है और बोल सकते हैं ये स्टीम को हमारे साइक्लोन सेपरेटर की ओर भेजता है। तो यहाँ पर क्या होता है, और ये जो वेपर प्लेट्स होते हैं ये बोल्टेड होते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है वेफर्स बोल्टेड टू द स्टील बार और वेल्डेड टू द ड्रम। सो ये वेल्डिंग या बोल्टेड होती है ड्रम में। सो वेफर्स क्या करती है, ये स्टीम को डायरेक्ट करती है। तो डायरेक्ट जो करती है तो स्टीम जो है वो हमारा साइक्लोन सेपरेटर में आती है, जिसको हम लोग प्राइमरी सेपरेटर भी कहते हैं, साइक्लोन सेपरेटर में आती है। और जो वाटर जो होते हैं वो स्लाइड डाउन होती है और ड्रम के बॉटम पर जा चली जाती है। तो हमारा जो स्टीम है वो साइक्लोन सेपरेटर में आती है। अब साइक्लोन सेपरेटर में क्या होता है कि स्विरलिंग एक्शन होती है। स्विरलिंग एक्शन में क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के चलते जो हाई डेंसिटी पार्टिकल्स है लाइक वाटर, वो क्या होता है, वो वाल की तरफ चला जाता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो लेस डेंसिटी जो स्टीम है वो हमारा क्या होता है, वहां पर स्विरलिंग एक्शन होता है। लाइक यहाँ पर ये स्विरलिंग एक्शन हो रहा है और ये स्टीम जो है राइज अप हो जाती है और जो वाटर जो है हमारा वाल पे चली जाती है और फिर नीचे वो जो भी अगर प्रेसिपिटेट और एक्युमुलेटेड होती है वो ब्लो डाउन प्रोसीजर होती है, वो मैंने मेरे वीडियो में अलग से है ब्लो डाउन प्रोसीजर। तो ये हमारी होती है। अब स्टीम ड्रम जो स्टीम है वो साइक्लोन सेपरेटर और प्राइमरी सेपरेटर से ऊपर जाती है और हमारा ये जो है कोरूगेटेड स्क्रबर और स्क्रबर एलिमेंट में जाती है। ये जो है, ये जो सेकेंड पार्ट है, ये मैंने सेकेंड यहाँ पर दिखाया है इसको बड़ा करके, ये होता क्या है कोरूगेटेड कोरूगेटेड स्क्रबर और स्क्रबर एलिमेंट क्या होता है कि ये कुछ इस शेप के होते हैं, लाइक ऐसे होते हैं। अब ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि जो स्टीम प्लस वाटर वेपर जो है ये ट्रेवल कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइम जो है, ट्रेवलिंग टाइम जो है वो ज्यादा होगी क्योंकि वो ऐसे जा रहे हैं, तो टाइम ज्यादा होगी। इससे क्या होगा, हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। ओके, हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा और एरिया ज्यादा होगा, लाइक एक्सटेंडेड फिन्स। ओके, तो एरिया ज्यादा होने के चलते लाइक हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू के डी थीटा बाय डी टी। तो यहाँ पर क्या है कि एरिया बढ़ गया तो जिससे हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा और यहाँ पर सेपरेट मीन्स इफिशियंट सेपरेशन होगी, तो इसलिए हम स्क्रबर को
यहाँ पर कोरुगेटेड स्क्रबर यूज करते हैं। तो कोरुगेटेड स्क्रबर के बाद आफ्टर दैट लगभग 60-70% वाटर जो होती है वेपर से रिमूव हो जाती है। देन उसके बाद ये हमारे सेवरॉन सेपरेटर पे जाती है। सेवरॉन सेपरेटर, और हम बोल सकते हैं इट्स एक्ट लाइक ए सेकेंडरी सेपरेटर, ये सेकेंडरी सेपरेटर की जैसे एक्ट करती है। तो सेवरॉन सेपरेटर क्या है, ये वायर मेश की तरह होती है, आप देख सकते हो ये फाइन वायर मेश, जो गैप जो होती है वो बहुत कम गैप में होती है, ताकि जो वाटर को है वो जो रिमेनिंग जो 20% वाटर जो है ओके उसको वो रोक सके। या यहाँ पर क्या होती है, स्ट्राइक होती है, जो स्टीम प्लस वाटर वेपर की जो वेलोसिटी है, तो जो वाटर वेलोसिटी जो हाई वेलोसिटी है उसको स्ट्राइक करती है और ट्रैप कर लेती है, और फिर उसको उसको जो है ड्रेन आउट कर देती है। जो मेरा 3 नंबर जो मैंने दिखाया वो ड्रेन है, तो ड्रेन के थ्रू वो ड्रेन आउट हो जाती है और जो बस वेपर जो है जो स्टीम जो है वो हमारे यहाँ से आगे चली जाती है, स्टीम आउटलेट में चली जाती है। तो इसे हम सेवरॉन सेपरेटर कहते हैं और इसे हम सेकेंडरी सेपरेटर भी कह सकते हैं। सेकेंडरी सेपरेटर इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कुछ रिमेनिंग जो बचे हुए थे वाटर जो स्टीम में उसे वो सेपरेट करता है। बट मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है, हम लोग को ड्राई बॉक्स या ड्रायर लगाना पड़ता है जनरली। ये सेपरेटर में ही आते हैं, जनरली 3 टाइप्स ऑफ सेपरेटर होती है, प्राइमरी सेपरेटर, सेकेंडरी सेपरेटर एंड थर्ड वन इज ड्राई बॉक्स और ड्रायर। जो प्राइमरी सेपरेटर होती है वो साइक्लोन सेपरेटर होती है, सेवरॉन सेपरेटर होती है वो सेकेंडरी सेपरेटर होती है। तो इस प्रोसेस के बाद इस प्रोसेस के बाद ड्रायर में जाती है। अब ड्रायर क्या है, ड्रायर और ड्राई बॉक्स बोल सकते हैं, वो हमारा ऐसा कुछ रहती है, ये ड्रायर होती है और ये हमारा ट्यूब होती है। अब यहां पर क्या होता है, यहाँ पर स्कूप ड्रेन लगा रहता है, ये स्कूप ड्रेन है, इसे हम लोग स्कूप ड्रेन स्कूप कहते हैं। जो कैरी ओवर जो स्टीम में जो कैरी ओवर वाटर होती है उसको ये सेपरेट करती है ड्रायर, फिर ड्रायर के थ्रू होते वो ऑक्सिलरी स्टीम स्टॉप वाल्व या मेन स्टीम स्टॉप वाल्व में जाती है स्टीम। अगर प्रोपल्सन के लिए है तो सुपर हीटेड स्टीम जरूरत रहता है। अगर फॉर ऑक्सिलरी पर्पज, जो मैं लास्ट वीडियो में बताया था, उसमें हमारा डी सुपर हीटर यूज होता है। डी सुपर हीटर अगर बात करें तो जो सुपर हीटेड स्टीम जो आती है वो एटेम्परेटिंग टाइप ऑफ डी सुपर हीटर होती है, जिसमें क्या होता है कि जो कूल्ड वाटर जो होता है वो स्प्रे होता है स्टीम्स में, जो सुपर हीटेड स्टीम होते हैं, और वो सैचुरेटेड स्टीम बन जाती है और वो फॉर ऑक्सिलरी पर्पज के लिए जाती है। जो मैंने लास्ट वीडियो में पूरी एप्लीकेशंस बताया ऑक्सिलरी पर्पस की और जो सुपर हीटेड स्टीम होती है वो टर्बो जनरेटर और प्रोपल्शन सिस्टम के लिए काम आती है। तो ऐसे सेपरेट होती है स्टीम, ये हमारी पूरी प्रोसेस है स्टीम सेपरेशंस की। अगर आप बात करें ये जो है, ये जो हमारा है, ये हमारा केमिकल डोजिंग है। जनरली क्या होता है, जो भी हम लोग फीड वाटर जो प्रोवाइड करते हैं वहां से फिर हमें फीड वाटर को केमिकल डोजिंग भी ट्रीटेड किया जाता है, केमिकली ट्रीटेड किया जाता है। लाइक यहाँ पर एक फॉस्फेट होती है जिसकी 40-50 ppm मेंटेन करते हैं और भी होती है pH 10-11 मेंटेन करते हैं, और भी कंडक्टिविटी मेंटेन करते हैं। तो जो भी जो केमिकल फीड है, केमिकल डोजिंग यहाँ से प्रोवाइड होती है, इसलिए ये लाइन मैंने बनाया है। और ये जो हमारा है ये कंटिन्यूस ब्लो डाउन है। अब जो भी हमारा स्टीम प्लस वाटर मिक्सचर जो सेपरेट हुआ तो जो भी वाटर एक्यूमुलेट हुआ, जो भी प्रिसिपिटेट हुआ, जो स्टीम क्वालिटी हमारा इंक्रीज हुआ, तो कुछ प्रिसिपिटेशन आएगी, तो उसे हम लोग ब्लो डाउन कहते हैं। मेरी एक अलग से वीडियो लेक्चर है ब्लो डाउन प्रोसीजर्स की, वो आप देख सकते हो। ये ब्लो डाउन प्रोसीजर होगी, ये जो हमारा है ये फीड इनलेट है, जो स्टीम ड्रम में फीड इनलेट किया जाता है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पर हमारा स्टीम ड्रम की कंस्ट्रक्शन है, जो स्टीम प्लस वाटर वेपर सेपरेट होती है। नाउ अब ये हमारा अनदर सेक्शनल व्यू है स्टीम ड्रम की, जो इससे पहले जो साइड में जो सेक्शनल व्यू बनाया था वो बहुत ही उसकी रेशियो छोटी थी डायग्राम की, इस मैंने बड़े रेशियो बनाया। हाँ, तो अगर स्टीम ड्रम की बात करें तो ये 4 प्लेट से बनती है। जो साइड प्लेट है उससे हम लोग डिस इंड प्लेट कहते हैं, मीन्स ये प्लेट जो है ये हमारी प्लेट है, और जो ये हमारी प्लेट है स्टीम ड्रम की उससे हम लोग डिस इंड प्लेट कहते हैं। और जो डिस इंड प्लेट होती है वो अपर पार्ट और लोअर पार्ट से कनेक्ट होती है। ये जो मैंने दिखाया है ये जो होती है थ्रू फ्यूजन वेल्डिंग के थ्रू कनेक्ट होती है, और यहाँ पर वेल्डेड होती है, जिसको हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। जनरली अभी जितने मॉडर्न
टाइप ऑफ बॉयलर आते हैं, जो ड्रम कंस्ट्रक्शंस होती है वो यहाँ फ्यूजन वेल्डिंग ही होते हैं, जो डिस्क इंड के जो इंड को सेल से जोड़ती है। अब हम आते हैं जो डिस इंड प्लेट है, यहाँ पर जो डिस इंड प्लेट है उसके सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में मैनहोल डोर होता है। तो मैनहोल डोर जो होता है वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर कुछ मेंटेनेंस के लिए जो मेंटेनेंस इंजीनियर है वो इजीली एक्सेस कर जाए, और ये डोर का साइज इतना लार्ज होता है ताकि एवरेज साइज में जो है या एवरेज साइज इंजीनियर में वो आराम से अंदर जा सकता है और कुछ मेंटेनेंस वगैरह इंटरनल एसेसरीज स्टीम ड्रम की मेंटेनेंस कर सकता है। और इसकी साइज जो होती है 28x40 सेंटीमीटर होती है, जो कि इनफ है एवरेज साइज मैन के लिए जो अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपर प्लेट की, तो अपर प्लेट को स्टीम ड्रम की हम लोग कहते हैं रैपर प्लेट। मैंने यहाँ दिखाया ये जो अपर प्लेट है, ये जो अपर प्लेट है इसे हम लोग कहते हैं रैपर प्लेट, और जो लोअर प्लेट है यहाँ जो मैंने दिखाया उसे कहते हैं ट्यूब प्लेट। रैपर प्लेट जो होती है वो थिनर होती है, ट्यूब प्लेट जो होती है वो थिकर होती है। रैपर प्लेट में हमारी बॉयलर्स माउंटिंग होती है। बॉयलर माउंटिंग की वीडियो में मेरी अलग से वीडियो है, लेक्चर है, वो आप देख सकते हो। अगर नीचे बात करें जो ट्यूब प्लेट है वो थिकर होती है, जनरली ट्यूब सीट्स होती है, लाइक ट्यूब की सीट्स होती है, ऐसे ट्यूब सीट्स होती है, और वो ट्यूब सीट जो होती है सेवरल ट्यूब सीट्स कंबाइन करके हमारा ट्यूब प्लेट बनती है। और जनरली ये हमारी नीचे प्लेट को हम लोग ट्यूब प्लेट कहते हैं और अपर प्लेट को रैपर प्लेट कहते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटरनल फीड लाइन, मीन्स ये जो हमारा है ये इंटरनल फीड लाइन है। अब ये इंटरनल फीड लाइन क्यों दिया जाता है और इंटरनल फीड लाइन में होता क्या है? जनरली क्या होता है जब हम बॉयलर वाटर जब फीड करते हैं तो क्या होता है कि ये जो अब देख रहे हैं जो परफोरेटेड होल्स है, ये जो हमारा जो परफोरेटेड होल्स है जो मैंने इक्वल इंटरवल पे बनाया है, ये इक्वल इंटरवल पर इसलिए बनाया है कि जब हम लोग स्टीम ड्रम में कोल्ड वाटर फीड करते हैं तो क्या होता है थर्मल स्ट्रेसेस होने की चांस होती है, थर्मल शॉक हो सकती है स्टीम ड्रम में, जो क्रैक हो सकती है, जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर रिंग परफोरेटेड ड्राई परफोरेटेड टाइप ऑफ होती है, और इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर रिंग कहते हैं ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जो टैंक होती है हमारी वो टैंक में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अगर वन साइडेड डिस्ट्रीब्यूट होगी तो क्या होगा टेम्परेचर डिफरेंस से थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगी और जो डिफेक्ट ला सकती है स्टीम ड्रम में, जिसकी इंटरनल एसेसरीज जो पार्ट्स होती है वो डैमेज हो सकती है। तो इसलिए हमारा ये इक्वल इंटरवल पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नोजल लगा हुआ है जो परफोरेटेड टाइप होती है। और ये हमारा गेज ग्लास है, और गेज ग्लास हुई चाहे मेन स्टीम स्टॉप वाल्व हुई या ऑक्सिलरी स्टॉप वाल्व हुई, ये मैंने पूरे बॉयलर माउंटिंग में बताया है। और ये हमारी पूरा कंस्ट्रक्शन हुई स्टीम ड्रम की, और आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है ये पूरे लेक्चर्स में अगर कहीं आपको ऐसा लगता है आप कंफ्यूज हो या कहीं डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख सकते हो, मैं सॉल्व करूँगा। और आज का वीडियो इतना ही, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ऐसा लगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन टू, सो मैं जब भी यूट्यूब में जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।